हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यूजीसी नेट के जो मॉक टेस्ट होता है उसका प्रैक्टिस कैसे करें। तो ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, आप यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड रिलीज होने वाले हैं और आपको इस समय जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपका टाइम बचेगा और आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके NTA नेट टाइप करना है, NTA नेट, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत से बच्चे जो हिंदी या और किसी सब्जेक्ट से होते हैं, हिंदी इंग्लिश या फिर इकोनॉमिक्स के से हैं या आर्ट से हैं, तो उनको बहुत दिक्कत आती है ये कंप्यूटर पे ऑपरेट करना और इस प्रकार के प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। तो आप गूगल पे जब टाइप करोगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा आपका। पहले है NTA UGC नेट, ठीक है। उसके बाद आपका दे रखा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, तो आपको ये इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट NTA की है, NTA कई डिफरेंट एग्ज़ाम कराती है, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है NTA की, ठीक है। इस पर आपको एक्टिव एग्जामिनेशन हैं वो दिख जाएंगे, ई सर्टिफिकेट्स वो दिख जाएंगे। अब आपको अगला ऑप्शन है मॉक टेस्ट, उसके बाद दोस्तों आपका है अभियान, ठीक है। तो आप ये अभियान आपका UGC नेट का एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो हम जाते हैं मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो मॉक टेस्ट क्लिक करोगे तो आपका ब्राउज़र में नया विंडो ओपन होगा, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल NTA की वेबसाइट है, ठीक है। आप इस पे जाके देखिएगा तो बहुत सारे आपका ये विंडो ओपन होगी। इसमें आपको सेलेक्ट योर एग्ज़ाम, सेलेक्ट एग्ज़ाम यू वुड लाइक टू अपीयर, इसमें आपको क्लिक करना है जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और इसके साथ में एक वीडियो दे रखा है, इस वीडियो को देख के आप पूरा समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इस कंप्यूटर पे इस एग्ज़ामिनेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से आप एक बार देखना जरूर चाहिए आप लोगों के लिए, तो ये टाइम सेविंग होगा और आपसे कभी गलती नहीं होगी। कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना आपसे कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी और आपका टाइम सेविंग होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम दे रखे हैं, JEE UGC नेट और नीट के। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है UGC नेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है पेपर कौन सा। तो पेपर आपके जितने भी नेट में आपके UGC में पेपर दे रखे हैं वो सभी यहाँ पे हैं। तो सपोज़ अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, आपको सपोज़ फिलॉसफी का पेपर देना है, पेपर टू की प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे फिलॉसफी सेलेक्ट किया और आप प्रोसीड पे चले गए। प्रोसीड करोगे तो आपका पूरा गेटवे ओपन हो जाएगा जो एग्जामिनेशन का गेटवे है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप देखोगे आपके लिए लॉगिन विंडो ओपन होगी, तो लॉगिन विंडो में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड वहाँ पे मिलेगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, वो आपको फिल करना है। यहाँ पे आप तो सीधे इस पे लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन हो जाएगा, तो आपका ये विंडो ओपन हो गई, आपका सीधे क्वेश्चन पेपर आकर हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि इसमें विंडो अप डाउन करना पड़ता है और इससे आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसको विंडो अप डाउन करना आप अच्छे से देख लेना, जैसे मान लो यहाँ विंडो अप आपने अप डाउन कर लिया और यहाँ पर आपने आपको ये मान लो ये ऑप्शन सही है तो इसको सेलेक्ट किया, आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है। प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा और अब आप फाइनली एग्जामिनेशन का पेपर आपके सामने डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो को स्क्रॉल करना, लेफ़्ट राइट स्लाइड करना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा करना आपको नहीं आता अच्छे से तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा ज़्यादा। तो सपोज़ करो ऑप्शन 3 सही है तो इसको आप क्लिक करो, उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये सेव एंड नेक्स्ट करोगे या क्लियर करना चाह रहे हो या सेव एंड फर्दर रिव्यू। तो आपने आपको जब आंसर आ रहा तो सही से है, अगर आपको क्वेश्चन पता है तो सेव एंड नेक्स्ट पर मूव कर जाइए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जैसे मान लो ये है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर पहला सही दिख रहा है, तो फर्स्ट आपने क्लिक किया, उसके बाद आप सेव टू रिव्यू के लिए लगा सकते हो। तो आप जब इसमें देखोगे तो आपके साइड में दिखता जाएगा कि ग्रीन जो ऑप्शन ग्रीन हो रहा है बबल, तो आपका ये करेक्ट आंसर आप दे चुके हो, इसका आंसर हो और ये इस प्रकार का आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर अभी रिव्यू के लिए किया गया है, ठीक है। और उसके बाद आपके बहुत सारे इसमें अगर आप आओगे, अगर आपको नेक्स्ट पे जाना है, सीधे क्वेश्चन नहीं सॉल्व देना, मान लो इसका आंसर नहीं देना है, तो आप नेक्स्ट मूव कर जाओगे। तो यहाँ पे देखिए आप जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो वो रेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आई होप आपके लिए ये यूजफुल होगा। तो इसको जो भी स्टूडेंट जिसको कंप्यूटर पे ज़्यादा ऑपरेट करना एग्ज़ाम नहीं आया है या पहली बार आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, हालांकि आपको कंप्यूटर चलाना आता होगा, उसके बावजूद आप इसकी प्रैक्टिस करिए, मेरी यही आपको सलाह है, क्योंकि मैंने नेट का पेपर दिया है और आई एम क्वालिफाइड
एनटीए नेट, तो आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है नेट के पेपर में, तो आप जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरे द्वारा बताई इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लगती है, आपके लिए हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे द्वारा जो रिलायबल और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं वो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे विलेजेज एरिया के हैं जिनको इस प्रकार के नॉलेज नहीं है, सीधे एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाते हैं और उनको पता नहीं कि कंप्यूटर कैसे यूज़ करना है, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। सब कुछ आ रहा है लेकिन क्वेश्चन आपको एक घंटे में सब पहला पेपर देना होता है, वो छूट गया तो आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाता या आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो इस बचने की इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने आपको सजेशन करूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ठीक है। थैंक यू।